हेलो स्टूडेंट्स, तो चंद्रवंश में हमारी प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, ठीक है। तो आज भी इसी के बारे में, और अभी एक दो दिन में ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। देखो, चंदों ने राज्य का विभाजन मंडल, देव, परगना या गरखे, परगने को गरखे भी कहा गया, तथा ग्राम में किया गया, तो घटते क्रम में है ये, ठीक है। तो मंडल को दो प्रकार का माना गया। प्रथम प्रकार का मंडल राजा, और दूसरे प्रकार के मंडल में सामंत द्वारा शासित होते थे, ठीक है। तो एक में राजा होता था शासन करने वाला, दूसरे में सामंत। जिस क्षेत्र को चंद राजा जीतते थे तो वहां के ही राजा को वो अधीनस्थ सामंत नियुक्त कर देते थे, तो वो अधीनस्थ सामंत कहलाएगा, ठीक है। जो क्षेत्र जीत लिया तो जो सामंत होता था वो राजा को वार्षिक कर प्रदान करता था, तथा युद्ध काल में राजा की सेना का हिस्सा बनता था, है ना। तो युद्ध जब होगा तो राजा की मदद भी करेगा सामंत। कुछ क्षेत्रों में सामंतों को ठाकुर या ठक्कुर भी कहा गया है। अब इसके बाद देखो, मंडलों का विभाजन देश में होता था, तो मंडल से छोटा हो गया देश, जैसे तल्ला देश, मल्ला देश, खरग देश, माल देश, ये उस समय प्रसिद्ध थे। देखो, परगना और गरखा ये देश से छोटा होता था, है ना। तो देश से छोटा क्या, परगना, फिर उसके बाद ये गरखा हो गया, तो परगना और गरखा तो एक ही उसके लिए आ गए, तो ये इसमें ऑब्लिक करके आ जाएगा। तो परगने में जो नागरिक अधिकारी होता था उसे सीकदार कहते थे, है ना। तो परगने का जो नागरिक अधिकारी है वो सीकदार कहलाया। आगे देखते हैं, राजस्व एकत्रण करने वाला अधिकारी भंडारी कहलाता था। तो जो राजस्व एकत्रण करेगा भंडारी कहेंगे, तो भंडारी भी एक पद का नाम हो गया, ठीक है। तो कैनी नामक खसियों का कार्य, अब जगह ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कैनी कौन थे, तो वो ऐसे खसिया थे जो, इनका कार्य क्या था, अनाज को भंडार से राजा के पास पहुंचाना, ठीक है। तो भंडार से राजा के पास ले जाने वाले थे कैनी। तो ये छोटी जाति के माने जाते हैं जिन्हें खसिया या है ना, इनका वर्णन आया है खसिया के रूप में। फिर देखो, परगने का विभाजन गरखे में भी माना गया है ना, और कुछ जगहों पे परगने को ही गरखा भी कहा गया है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि परगने से छोटा क्या है, गरखा। अब काली कुमाऊं और भाभर क्षेत्र में इन्हें पट्टी भी कहा गया, जैसे गढ़वाल में भी पट्टी बोली जाती है ना, खास पट्टी है जैसे, तो कई उसमें बोला जाता है। तो काली कुमाऊं क्षेत्र में भी पट्टी नाम आया है गरखे के लिए। और जो गरखे का प्रशासक होता था, ये इंपॉर्टेंट है, देखो, गरखे का प्रशासक नेगी कहलाता था। तो यहाँ पे नेगी तो अभी हम क्या देखते हैं, सरनेम है, तो लेकिन वहाँ पे क्या था, पद का नाम था नेगी। देखो, सोर क्षेत्र प्रसिद्ध था, सोर क्षेत्र का जो नेगी था वो कौन था, शिरोमणि जोशी था। अब आता है, देखो, सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है, ग्राम हो गया। तो ग्राम का मुखिया क्या था, सयाना या बूढ़ा कहलाता था, ठीक है। और ये अपने क्षेत्र के यानी अपने ग्राम के न्यायाधीश भी होते थे। तो सयाना की जो पंचायत होती थी उसको बूढ़ा चौरा कहा गया। तो कल्याण चंद के समय वर्णन मिलता है कि जो लच्छी गुसाई मंडराल व्यक्ति था उसे 16 गांवों का सयाना बनाया गया था, ठीक है, लच्छी गुसाई मंडराल को, ऐसा कल्याण चंद के समय जानकारी मिली है। और सयाने को दस्तूर दिया जाता था अनाज के रूप में, ठीक है। सयाना क्या करता था, दस्तूर इकट्ठा करता था जो कि अनाज था। इसके बाद देखते हैं, अब देखो, सयाने के नीचे प्रधान होते थे, तो प्रधान के माध्यम से सयाना मालगुजारी वसूलता था, ठीक है। अब प्रधान के अधीन क्या होते थे फिर काम करने के लिए, कोटाल, यानी जो लेखा जोखा देखेगा, रिकॉर्ड रखेगा, अकाउंट, है ना, अकाउंटेंट मान लो इसको, लेखा जोखा रखने वाला कोटाल, और प्रहरी, प्रहरी नाम से पता लग रहा है ये चौकीदारी करेगा, ठीक है। तो देखो, उपज का 1/6 यानी छठा हिस्सा भू राजस्व की दर थी उस समय, इसको क्या कहा गया, गल्ला छड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट है, गल्ला छड़ा क्या था, ये था भू राजस्व, छठा हिस्सा लेते थे। जो प्रहरी होते थे गांव में वो डाकिये का काम भी करते थे और चौकीदारी भी, है ना। अब देखो, चंदों में राजा क्या था, सर्वोच्च न्यायाधीश भी था, वो फांसी की सजा सुना सकता था। फांसी ज़्यादातर जो है ऊंचे पहाड़ों पर दी जाती थी, इन्हें क्या बोलते थे, सूली का डांडा। तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, देखो, सूली का डांडा क्या था, जहां फांसी दी जाती थी चंदों के समय। निम्न स्तर पर क्या होता था, न्योवाली और बिष्टाली कचहरियाँ थी, ठीक है। इसके अलावा पंच नवीशी नाम से न्यायालय था,
ठीक है, और दंडाधिकारी को डंडे कहा गया है ना। तो देखो इसमें अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आने वाला है, ये विजय चंद का जो पाभे ताम्रपत्र है, अब देखो ये इम्पोर्टेंट हो गया, पाभे ताम्रपत्र इसका विजय चंद का, तो इसमें कर्ण बिष्ट को डंडे कहा गया है, ठीक है। तो कर्ण बिष्ट उस समय डंडे थे, दंडाधिकारी मतलब दंड देने के अधिकारी ये थे, और ये विजय चंद का पाभे ताम्रपत्र है, ठीक है। तो उस जमाने में सिराकोट क्या था, एक कुख्यात कारागार था, मतलब जेल थी सिराकोट। फिर बरम ताम्रपत्र से बधानगढ़ आक्रमण के समय वर्णन मिलता है, तो क्या मिला उस समय की जो वीरेश्वर जोशी थे, उन्होंने वैद्य कुड़िया द्वारा गुप्तचरी करवाई थी, ठीक है। तो वैद्य से गुप्तचरी किसने करवाई, वीरेश्वर जोशी ने, ऐसा वर्णन बरम ताम्रपत्र से मिला है जब बधानगढ़ आक्रमण हुआ उस समय का। तो ज़्यादातर गुप्तचरी का काम कौन करता था, जैसे वैश्याएं, परिवारजक मतलब जो संत महात्मा इधर उधर घूमते रहते हैं, भिखारी या वैद्य लोग आसानी से इधर उधर जा सकते थे, गुप्तचरी करते थे, और रनिवास मतलब जो रानी का निवास है वहाँ पे महिला और दासियाँ ये काम करती थी, ठीक है। तो इसके बाद थोड़ा सा रह गया प्रशासनिक, और फिर उनका चंदों का टैक्स, ठीक है, और एक दो दिन में समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।